हम बात करेंगे रिलायंस पावर की। रिलायंस पावर में अराउंड 2% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। और स्टॉक अभी अगेन बड़े जंप के बाद 15.50 रुपये के लेवल से गिरावट में है। लेकिन अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि आपको बताया गया था कि 14.40 रुपये का लेवल इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा और इसी लेवल के ऊपर स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। इससे पहले इसी लेवल से स्टॉक लगातार रिजेक्शन ले रहा था और 14.50 रुपये का लेवल ब्रेकआउट होके ही बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिली थी। तो अब ये जो लेवल है नीचे की ओर इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, 14.50 रुपये का लेवल। और जब तक स्टॉक 13.80 रुपये के ऊपर है तब तक अपसाइड की संभावना बनी हुई है। बड़ा जंप कभी भी रिलायंस पावर में आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो खरीदारी की हुई है तो 13.80 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप चाहे तो पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। जैसे स्टॉक बाउंस बैक करके एटलीस्ट 15 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो वैसे कंडीशन में फिर आपको 17 रुपये तक के टारगेट ऊपर की ओर रिलायंस पावर दिखा सकता है।